न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गोंदिया जैसा राज ठाकरे ने नासिक का विकास किया है, उप मुख्यमंत्री सुधीर मुंगट्टीवार ने लिए अब कुछ नहीं बचा। जैसा राज ठाकरे ने नासिक का विकास किया है, उप मुख्यमंत्री सुधीर मुंगट्टीवार के लिए अब कुछ नहीं बचा। राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा था कि मैंने नासिक का विकास किया, उसने क्या किया, जिसने शहर को गोंद लिया, उसका जवाब देते हुए मंत्री सुधीर मुंगट्टीवार ने राज ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि अगर सारा विकास राज ठाकरे ने किया तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए कुछ नहीं रखा। राज ठाकरे ने कर्नाटक के नतीजे पर बीजेपी की आलोचना की, जिस पर बीजेपी ने हमला किया कि दूसरों को सलाह नहीं देनी चाहिए, जिस पर राज ठाकरे ने कहा कि क्या बीजेपी दूसरे के भाषण पर प्रतिबंध लगाएगी। उसने बोलने और लिखने पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। उल्टे मंत्री सुधीर मुंगट्टीवार ने राज ठाकरे को चुनौती दी कि राज ठाकरे दूसरे के मुंबई आने घूमने फिरने पर रोक लगा दी है और बोर्ड पर पाबंदी लगा दी। राज ठाकरे म्हणाले की नाशिकचा विकास मी केला, ज्यांनी सहन बत्ता घेतलं त्यांनी काय केलं, अशी टीका त्यांनी फडणवीस साहेबांवर। नाही ठीक आहे, त्यांनी विकास केला तर मग आता फडणवीसांना विकासासाठी काही शिल्लकच राहिलं नाही। ते म्हणते मी विकास केला तर फडणवीसांसाठी त्यांनी शिल्लकच ठेवलं नाही गेलं। राज ठाकरे म्हणतात की दुसऱ्याच्या बोलण्यावर आणि लिहिण्यावर भाजपाने बंदी घालत आहे। दुसऱ्याच्या बोलण्यावर आणि लिहिण्यावर बंदी कधीच घातली नाही, पण राज ठाकरे साहेबांनी दुसऱ्याच्या मुंबईत येऊन फिरण्यावर बंदी घातली होती, पाट्या गावण्यावर बंदी घातली होती, भाजपने कधी बंदी घातली? पुन्हा आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्रपती शिवाजी नगर श्रीराम चौक में अंडा फोड़ने के बाद तनाव का माहौल, हरकत करने वाली महिला पुलिस हिरासत में। शहर के श्रीराम चौक पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अंडा फोड़ने के बाद तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस दूध डेयरी से दरगाह रोड स्थित कालंडा कॉर्नर इलाके में स्थित एक चौक पर पहुंच गए। घटना कालंडा कॉर्नर चौक में हुई, जहां एक महिला ने धार्मिक स्थल से तंग आकर भगवान पर दोषारोपण करते हुए पूजा स्थल को अपवित्र कर दिया। लगातार असफलता के कारण जीवन में अस्थिरता के लिए भगवान को दोष देते हुए छत्रपति संभाजी नगर शहर में सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच धार्मिक स्थलों की एक महीने की बदहाली का मामला प्रकाश में आया। महिला की इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते पुलिस आयुक्त मनोज लोहिया ने तुरंत सूत्र का रुख किया और 3 घंटे के भीतर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह बात सामने आई है कि संबंधित महिला को, जो पुलिस हिरासत में है, धार्मिक कलह पैदा करने का इरादा नहीं रखती थी बल्कि खुद ही जिंदगी से तंग आ चुकी थी। इस मामले में पुलिस कमिश्नर की अपील से शांति बनाए रखने की मदद मिली है। छत्रपति संभाजी नगर मधील सर्व नागरिकांना पोलीस आयुक्तांचा नमस्कार। आपल्या छत्रपति संभाजी नगर मध्ये आज धार्मिक भावना दुखावल्या जाईल असे काही कृत्य घडले होते। पोलीस यंत्रणेने काही तासाच्या आतच सदर घटनेचा छडा लावला। यामध्ये जी व्यक्ती निष्पन्न झालेली आहे ती मानसिकदृष्ट्या खचलेली डिप्रेशनमध्ये असलेली व्यक्ती आहे व सदरची व्यक्ती ही समधर्मीही आहे, परंतु डिप्रेशनमध्ये असल्यामुळे त्या व्यक्तीने अशा प्रकारचे कृत्य केलेले आहे। सदर व्यक्तीने असे कृत्य त्यांच्या कार्यालयात देखील केले होते, ते आता तपासात उघड होत आहे। सदर घटनेच्या मागे धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा कोणताही हेतू सदर व्यक्तीचा दिसून येत नाही, केवळ मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्यामुळे त्या व्यक्तीकडून सदरचे कृत्य झालेले आहे। याबाबत सामाजिक प्रसारमाध्यमातून व्हॉट्सअप ग्रुपवर विशेषतः काही क्लिप हे पसरवली जात आहे। सदरच्या क्लिपबाबत माझी सर्व नागरिकांना अशी विनंती आहे की कृपया अशा प्रकारच्या क्लिप आपण सर्क्युलेट करू नये, जेणेकरून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल। सदरच्या कृत्याच्या मागे दोन धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा कोणताही प्रकार दिसून आलेला नाही। सदर व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई पोलिसांतर्फे करण्यात येत आहे, सदरची कार्यवाही होईल। तरी सर्वांनी आपला शहर हे शांत कसे राहील आणि सुरक्षित कसे राहील यासाठी पोलिसांना सहकार्य करावे अशी या क्लिपद्वारे मी सर्वांना विनंती करत आहे। धन्यवाद। जय हिंद।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुलढाणा, नोटबंदी का फैसला साम्राज्यवाद और तुलंगक का फैसला है मुकुल वासनिक। जब देश के प्रधानमंत्री ने पहले फैसला लिया तो नोटबंदी के पीछे क्या कारण थे, जब आज भी हमें समझ नहीं आता कि क्या हुआ था। उस समय निर्णय की घोषणा करते समय भ्रष्टाचार, कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा, अत्यधिक कार्रवाई पर अंकुश लगेगा, उस समय कई कारण बताए गए थे, लेकिन उस समय भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया था। उद्देश्य देखा नहीं जाता है कि उद्देश्य पर पूरा हो गया है। इस बार भी उसी तरह का निर्णय लिया गया है, इसमें कोई तर्क नहीं है। साम्राज्यवादी रंगमंच में ले गए तुंगल की निर्णय की तरह होते हैं। आखिर भारतीय कांग्रेस के महासचिव वासनिक ने कल 2000 के नोट बंद कराने के फैसले की आलोचना की, बुलढाणा में मोदी सरकार की आलोचना की। देशभरात नोटबंदी झाली आहे, आता 2000 नोटबंदी झाली आहे, काय नेमकं याचं कारण असेल, आपण कसं पाहता नोटबंदीकडे? बघा, ज्यावेळेस अगोदर नोटबंदीचा निर्णय देशाच्या पंतप्रधानांनी घेतला होता, त्याच्यामागे काय कारणं होती ते आजही आम्हाला समजलेली नाही आहे। त्यावेळेस निर्णय जाहीर करत असताना भ्रष्टाचारावरती आळा घातल्या जाईल, हां काळ्या बाजारावरती प्रतिबंध लागेल, अतिरेकी कारवाई, त्या कुठेतरी त्याच्यावरती एक काहीतरी वचक बसेल, अशा प्रकारे अनेक कारणं त्यावेळेस दिली होती। पण त्यावेळेसही कुठल्याही प्रकारे जो उद्देश ठेवून तो निर्णय घेतला होता ते उद्दिष्ट पूर्ण झाले हे दिसलं नाही। यावेळी अशाच प्रकारचा हा निर्णय घेतलेला आहे, याच्यात कुठल्याही प्रकारचा काही तर्क दिसत नाही। काहीतरी बादशाही थाटामध्ये घेतलेले निर्णय, जसं तुगलकी निर्णय म्हणतात तशाच प्रकारचे हे निर्णय आहे। कर्नाटकामध्ये ज्या पद्धतीने काँग्रेसला विजय मिळाला, कौल जनतेचा मिळाला, त्यामुळे कुठेतरी राहुल गांधी यांची भारत जोड। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी एस डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकॉक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।